जय माता दी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंसान को शादी के समय में उसकी उम्र का ध्यान रखना क्यों ज़रूरी होता है, किन लोगों को किन उम्र के बाद शादी करनी चाहिए, इस सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर जन्म कुंडली में चंद्र और शुक्र ये इकट्ठे बैठे हुए हो तो ऐसे लोगों को 24 साल की उम्र में तो भूल करके भी शादी नहीं करनी चाहिए, और हो सके तो ऐसे लोग 27 साल की उम्र के बाद शादी करते हैं तो हालात ठीक रहेंगे। नहीं तो ऐसे में पहले की गई शादी माँ के ऊपर जरूर कष्ट दे सकती है, माँ को आंखों से संबंधित दिक्कतें दे सकती है और माँ को सेहत से संबंधित भी परेशानियाँ देखने को मिल सकती है। इसलिए ऐसे लोगों को 27 साल की उम्र के बाद ही शादी करनी चाहिए। दूसरा योग, सूर्य और शुक्र का अगर जन्म कुंडली में मेल हो तो ऐसे लोगों को 25 साल की उम्र से पहले भूल करके भी शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग अगर 25 साल की उम्र के बाद शादी करते हैं तो पति पत्नी के आपसी बनने वाले हालात बिल्कुल ठीक रहेंगे, लेकिन पहले शादी होती है तो दिक्कतें जरूर देखने को मिलेंगी। मंगल और शुक्र का मेल अगर खराब घरों में हो, जिसमें मंगल बद हो या मंगल बहुत खराबी पर हो, तो ऐसे में ऐसे लोगों को 28 साल की उम्र के बाद ही हमेशा शादी करनी चाहिए। पहले की गई शादी के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती है, या पति पत्नी दोनों में किसी का चाल चलन खराब हो सकता है, जिसके कारण दोनों के आपसी बनने वाले तालमेल जरूर खराब होंगे। ऐसे लोगों को 28 साल की उम्र के बाद शादी करनी चाहिए। राहु और शुक्र का मेल, राहु और शुक्र का मेल हो तो 21 या 24वें साल में भूल करके भी नहीं शादी होनी चाहिए। हो सके तो ऐसे लोग 25 साल की उम्र के बाद ही शादी करें तो ऐसे में ऐसे लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। इसी तरह से हम और भी विषयों में आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।